Hello everyone, I'm Dr. Ashish Sharma from Family Dental Clinic, Guwahati. Today I'm going to talk to you about crowns. Why do we need crowns? हमें crowns की ज़रूरत क्यों होती है? हम हमारे दांत को cover करते हैं crown से, जिसे cap कहा जाता है in layman terms, कि cap क्यों लगाया जाता है, cap की क्या ज़रूरत होती है. तो cap कहाँ कहाँ लगाया जाता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, उसके बारे में बताऊँगा आज मैं. सबसे पहले cap वहाँ दिया जाता है जहाँ पे एक कैविटी बना हुआ है, एंड इट्स अ वेरी बिग कैविटी एंड द टूथ इज डिकेड विथ अ बिग रेस्टोरेशन. एक बहुत बड़ा फिलिंग करा हुआ है इसके ऊपर, और कई केसेस में ऐसा होता है कि वो फिलिंग वहाँ टिक नहीं पाती है, द फिलिंग इज नॉट एबल टू स्टे देयर. इन दैट केस वी गिव अ क्राउन और अ कैप. सेकेंड इंडिकेशन फॉर अ क्राउन इज ब्रोकन टीथ. ब्रोकन टीथ इज इन की क्रैक टीथ भी कहते हैं हम लोग. कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट ने बहुत जोर से किसी चीज़ को बाइट कर दिया, उनके दांत में क्रैक आ गया है, और हमें लगता है कि आगे जा करके वो क्रैक बढ़ सकता है और उनका दांत टूट सकता है, तो हम लोग उसके ऊपर एक कैप या क्राउन दे देते हैं. थर्ड इंडिकेशन इज रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन. जब हम कोई टीथ का रूट कैनाल करते हैं तो 90% केसेस में हमें एक क्राउन देना पड़ता है. उसका कारण ये है कि जब रूट कैनाल करते हैं तो दांत काफ़ी फ्रेजाइल हो जाता है. इट बिकम्स लाइक ए ग्लास, इट बिकम्स हॉलो फ्रॉम इनसाइड, खोखला हो जाता है अंदर से दांत. इन दैट केस जब हम च्यू करते हैं तो हमारा जो मैस्ट्रिकेटरी फोर्स है, जिसे कहा जाता है जो च्यू करने का फोर्स होता है, वो उस रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ के ऊपर पड़ता है और उसके ब्रेकेज के चांसेस होते हैं. तो इन दैट केस वी गिव अ क्राउन. सो वी ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर अ क्राउन व्हेन योर रूट कैनाल ट्रीटेड टीथ. अनदर इंडिकेशन फॉर crowns is that whenever there is wear of teeth, that basically means the teeth has gone worn off because of, you know, bruxism, something clinching, जिसे कहते हैं कि लोग जो बहुत जोर जोर से मैस्टिकेट करते हैं तो उनके दांत सब जो है वो wear off हो जाते हैं. attrition जिसे कहा जाता है हमारे लैंग्वेज में. attrition का मतलब ये होता है कि आप उनके दांत, जो पेशेंट्स के दांत हैं वो बहुत ज़्यादा कट चुके होते हैं, तो उसमें एक डर रहता है कि उनके दांत ब्रेक हो सकता है, उनका पल्प एक्सपोज हो सकता है, तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्राउन दे देते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग वाई वी गिव क्राउन वेरी कॉमनली दीज डेज इज एस्थेटिक्स. बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको बीच का दांतों का गैप क्लोज करना होता है, जिनको अपने दांतों को स्ट्रेट कराना होता है, तो उन सब केसेस में अगर माइन अलाइनमेंट, जिसे कहते हैं कि दांत को हम लोग स्ट्रेट करना है, थोड़ा बहुत गैप्स को बंद करना है, दांत थोड़े बहुत बाहर है उनको अंदर करना है, तो उन सब केसेस में हम लोग विनियर्स या क्राउन्स पेशेंट को दे सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू इंडिकेशंस वेयर वी गिव क्राउन्स और कैप. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन्स एंड द कॉस्ट ऑफ क्राउन्स अकॉर्डिंग टू द type of crowns that you choose for. Thank you so much for watching the video. Thank you.